नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मेदांता, लखनऊ। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे मेदांता हॉस्पिटल ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसके तहत हमने पहला उत्तर प्रदेश का कार टी सेल थेरेपी का केस संपन्न किया है। यह केस एक 19 वर्षीय एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का पेशेंट था जिसका जो ब्लड कैंसर था बहुत ही रिफ्रैक्टरी था कीमोथेरेपी के लिए, यानी कि जो भी हम कीमोथेरेपी की दवाइयां दे रहे थे उससे उसकी बीमारी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो रही थी और वो परसिस्टेंट एमआरडी पॉजिटिव चल रहा था। तो ऐसी सूरत में रिलैप्स होने का रिस्क बहुत अधिक होता है, खास करके जो इस एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं। इसी के तहत हमने लगा कि इस बच्चे में आइदर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा या कोई इनोवेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जब हमने इसके भाई बहन से एचएलए मैचिंग कराई तो हमें कंप्लीट मैच नहीं मिला और हाफ मैच मिल रहा था। तभी हमें लगा कि क्योंकि अब इंडिया में ये कार टी सेल थेरेपी अप्रूव हुई थी तो मैंने इनके पेरेंट्स से ये ऑप्शन भी डिस्कस किया कि कार टी सेल थेरेपी की जा सकती है और उसके रिजल्ट काफ़ी संतोषजनक हैं, बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े कम हैं। तो उसी को लेके फिर जब हमने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो पेरेंट्स ने हमारे सिस्टम पे विश्वास जताया और वो लोग रेडी हुए इस ट्रीटमेंट के लिए। तो टाटा मेमोरियल मुंबई के संपर्क में मिलजुल के हमने उनकी टीम और आईआईटी मुंबई डॉक्टर राहुल पुरवार जिन्होंने ये कार टी सेल बनाए अपनी लैब में, उनके साथ मिलके हमने ये प्रोसीजर यहाँ पे संपन्न किया और सफलतापूर्वक ये प्रोसीजर हुआ। किसी भी तरीके की कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए और अब मरीज को ऑलमोस्ट 45 डेज हो गए हैं इस प्रोसीजर हुए और पेशेंट सही हैं बिल्कुल, जैसे उनकी सारी लैब रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है।